रक्षम के बाद अब सोनम ने खेला गंदा खेल नित्यम के साथ। नित्यम के नौकरी को लेकर सावी को हो रहा है बहुत बुरा आभास। कलर्स टीवी के शो सावी की सवारी में आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जिस तरह से रक्षम ने पहली चाल चल के नित्यम की पहली नौकरी उसके हाथ से छीन ली थी, अब दोबारा नित्यम अपना लक आजमा रहा है। अब यहाँ पर सोनम ने धोखाधड़ी का काम किया है। सोनम ने यहाँ पे स्कैम कॉल करके नित्यम को इंटरव्यू के लिए बुला लिया है, लेकिन ये सिर्फ एक जाल और धोखा है। वहीं दूसरे ओर सोनम बुर्का पहन के घूम रही है मार्केट में और वो ऑटो में बैठ जाती है किसके, सावी के छत्री प्रसाद में। वहीं दूसरी ओर सावी की मामी आए दिन सावी का जीना मुश्किल कर रही है। अब सावी के मामा ने सावी की माँ और सावी की मामी दोनों को इस बात की धमकी दे दी है कि तुम्हारे चालसाजी और तुम्हारे झगड़ों के चक्कर में अगर नित्यम और सावी के रिश्तों में कोई भी खटास आती है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब देखना बहुत दिलचस्प होगा नित्यम को दोबारा जाल में फंसने में सावी कैसे मदद करती है, निकालती है उसे बाहर, और क्या नित्यम के सामने इस बार सोनम की सच्चाई आएगी। ये सब कुछ देखना बहुत दिलचस्प होगा। सावी और नित्यम की ये पूरी नई कहानी, उनका जो यहाँ स्ट्रगल है उस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।